5, 6, 7, 8. सलमान खान फैन जी है। बड़ी बेरहम जिंदगी कट रही होगी। नहीं, क्योंकि आजकल हम उसकी मूवीज को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे कि लेक्चर्स में टीचर्स को। बॉलीवुड में सिर्फ तीन चीजें चलती है, सलमान भाई और सलमान भाई। मतलब उसके फैंस ने लिटरली उसको इतना भाई भाई कर दिया है कि इंटरनेशनली औरतें उसे भैया बुलाने लगी है यार। There was a young girl, वो मीडिया में आई और उसने कहा I want to marry सलमान भाई। मतलब अब इस भारत देश में भाई और बहन मिलकर हम दो हमारे दो बनाए। सारी गलत इंस्पिरेशन इन लोगों को गेम ऑफ थ्रोन से मिली है। और बताओ भाई बहनों के बेहयाद रिश्ते, ये तो होना ही था। इस बॉलीवुड में ना कई तरीके के जानवर है और इन सबका बादशाह एक रणवीर सिंह। क्या कपड़े पहनता है भाई वो? उसको लगता है वो सिम्बा दिखता है, अरे हाइना दिखता है। दीपिका ने एक बार कहा था कि उसको पेट्स और एनिमल्स बहुत पसंद है। लोगों को थोड़ी पता था रणवीर सिंह के रूप में पूरा चिड़ियाघर उठा लिया। Let's talk something about our Indian singers, नेहा कक्कर। अरे नेहा कक्कर, तुझे चांस मिला तो मिला, अपने भाई को क्यों घसीटा? तो उसके भाई की बकासुर जैसी आवाज, धीमे धीमे धीमे, अरे नहीं करना है लोगों को धीमे यार। और इस गाने का जो ग्रेट गुरु रंधावा ने क्या किया, स्लोली स्लोली क्यों? इसका मतलब ये जो हिंदी वर्जन था धीमे धीमे, वो था विरार से लेकर अंधेरी वालों की। और ये जो स्लोली स्लोली था वो था साउथ इंडिया, साउथ इंडिया वालों के लिए। हम तो अंग्रेज, हमको अंग्रेजी आती नहीं है, उन लोगों का एक वर्ड नहीं होना चाहिए। Let's talk something about our Indian serials. लड़कियों को देखो मुझसे लैंड टपक रही है। बट उसके पहले मैं लड़कियों को एक बात बताना चाहूंगा, खुद को इंडियन एक्ट्रेसेस से सामने बदसूरत मत समझो। क्योंकि तुम भी उतनी ही बदसूरत हो जितनी की वो। वो जिम से बाहर आ रही थी, मैं फोन पे बात कर रहा था। आई वाज लाइक हाँ ठीक है, ओह आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी आई एम हिना खान। मैं कहा ओके, हाँ तो गाड़ी कलोटन निकली। मैडम आपका 1.5 किलो का मेकअप किधर गया? कहती है एक्सक्यूज मी अगेन, मैं 1.5 किलो का नहीं 2 किलो का लगा चुकी। Whenever we talk about Indian serials, the very first thing comes in my mind is the never-ending serial. ये serial का बंद होना उतना ही मुश्किल है जितना कि Sacred Games 2 में गणेश गायतों देखो गुरुजी का प्यार ना। एकता कपूर से बड़ा कोई डायरेक्टर है? आप मार्वल के डायरेक्टर्स ले लो, आप अवतार के डायरेक्टर्स ले लो, ये सब के सब एकता कपूर के नीचे आते हैं। I have a reason for that. आप लोगों ने कभी देखा है 20 साल की उम्र में किसी लड़की को 3 बार मारने के बाद 20 साल की उम्र में फिर जिंदा करके बता दे? ये रिश्ता क्या कहलाता है का कैरेक्टर नायरा 20 साल की उम्र में 3 बार मर चुकी और 3 बार कब्र खोदकर फिर बता दी।
आरती कर कर मरा हुआ मुर्दा फिर जिंदा हो जाता है। बॉस ट्रस्ट मी, पिछले 3 साल से पापा के सामने आरती कर रहा हूँ, बाइक का एक पहिया तक नहीं दिलाया यार। फिर मैंने ये सब मोह माया छोड़ दिया, स्टॉप्ड वॉचिंग इंडियन सीरियल्स। लेकिन फिर मेरे जिंदगी में होती है एंट्री एक फटाकड़ी की, नागिन बनकर। नागिन का फर्स्ट ही एपिसोड में अंत हो जाता है एंड आई वॉज वेटिंग फॉर द पूर्ण जन्म। लेकिन 7 एपिसोड तक कोई पूर्ण जन्म नहीं हुआ, पर 9वें एपिसोड को इनमें माता चढ़ी, होता है पूर्ण जन्म। एंड गेस व्हाट, हु इज इट अगेन, इट्स नायरा अगेन। मतलब अब तो हर कोई मरेगा, फिर भी है भारत जी की।